हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट टाइम पे थियरी क्वेश्चन देखेंगे टीवाई बैप सेमेस्टर 5 एग्जाम से रिलेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता कि जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर आपका 45 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स का आपका थियरी क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 15 मार्क्स के जो थियरी क्वेश्चन है, कौन कौन से थियरी आपको पढ़ के जाना चाहिए से, जिसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये सब थियरी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है इन बैंक, जिसे हम लोग CRR भी बोलते हैं। तो CRR क्या है बैंक के, ये आपको पढ़ लेना है। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इल्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग क्या है। अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व इन इंश्योरेंस में क्या है, अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व किसको हम लोग बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड्स क्या है। इसके अलावा आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक क्या है, बैंक के ऐसे कौन से एसेट्स है जो परफॉर्म नहीं करते, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। री इंश्योरेंस क्या होता है और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है। LLP एग्रीमेंट क्या होता है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होता है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट ऑन्ड फंड क्या होता है ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके अलावा असेट्स फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस कंपनी क्या होता है। वापस से अगेन रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट, इनके सेमेस्टर 6 के लिए आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9820827674। अभी हम लोग वापस से देख लेते कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कैश रिजर्व रेशियो इन बैंक क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, इल्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व इन इंश्योरेंस सेक्टर क्या है। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंक क्या है, री इंश्योरेंस क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या है, LLP एग्रीमेंट क्या है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, और कंप्यूटेशन ऑफ नेट ओन्ड फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है, असेट्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनी क्या है। तो ये सब आपको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।